मदर्स डे माँ का कोई दिन नहीं होता। 365 दिन भी माँ के सानिध्य में कम लगते हैं। हमको जो बर्तन मांझ के और एक शराबी पति के साथ कैसे विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करती हैं उनको, और मेरा अपना घर परिवार में मेरी 25 माएँ मेरे साथ रहती हैं और मुझे लगता है मैं अभी भी अपना बचपन जी रही हूँ। कहते हैं ना, जहाँ माँ बाप होते हैं वहाँ उम्र कब बड़ी होती है उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मदर्स डे मेरे लिए तो बहुत कीमती है। पिछले 2 साल पहले की अगर मैं बताऊं तो मेरे भाई हैं और मैं किराए की बिल्डिंग में इन माता पिता को रखती थी। मुझे लगता है सेवा उनकी करी जाए जो वास्तविक जरूरतमंद हैं, पर आज समाज की व्यवस्था कुछ अलग हो गई है। नमस्कार माधुरी जी, जैसे कि मदर्स डे है, मदर्स डे में हर कोई अपनी अपनी मम्मी के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। आप तो इतने सारे लोगों की मम्मी है, स्पेशली जो दूसरों की मम्मियां हैं उनकी आप सेवा करती हैं, तो कैसा है आपका अनुभव इस चीज में? सबसे पहले तो मदर्स डे माँ का कोई दिन नहीं होता। 365 दिन भी माँ के सानिध्य में कम लगते हैं। हम कैसे कह दें कि आज मदर्स डे है, पर ये एक जो औपचारिकता समाज में चल पड़ी है ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो अपनी माँओं को ऐसे दूसरे संस्थानों में, वृद्धाश्रमों में या कहीं और छोड़ देते हैं। उनके लिए शायद मुझे लगता है मदर्स डे का दिन बहुत उपयोगी है, क्योंकि वो जहाँ भी होते होंगे तो समाज के द्वारा, आप लोगों के मीडिया परिवारों के द्वारा ये जो मदर्स डे का उत्सव मनाया जाता है उन तक पहुँचता है। शायद कहीं उनकी जो सोई हुई आत्मा है वो कहीं जाग जाए, ये हम सबका प्रयास है। और मेरा अपना घर परिवार में मेरी 25 माएँ मेरे साथ रहती हैं और मुझे लगता है मैं अभी भी अपना बचपन जी रही हूँ। कहते हैं ना, जहाँ माँ बाप होते हैं वहाँ उम्र कब बड़ी होती है उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी माताएँ हैं जो हमारे अपना घर में निवास करती है और हम ये कह सकते हैं कि हम उनके साथ रहते हैं, उनके सानिध्य में एक एक पल जीवन का बड़ी खुशियों से गुजारते हैं। कब से लोगों की मदद करने का ये जो सेवा का काम है, अगर मैं कहूँ ये मुझे विरासत में मिला है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरी माँ बहुत लोगों की सेवा करती थी और पिताजी पुलिस में प्रशासनिक अधिकारी थे और मम्मी का यही रहता था किसी के घर भी कोई दुख सुख हुआ तो वो जाती थी। तो बचपन से ये चीज़ देखते देखते मन में ऐसा लगा कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद सारी चीज़ें अपने आप एक जगह बंद हो गई, क्योंकि शादी के बाद आपका जीवन अपना नहीं होता, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते। और पता नहीं ईश्वर ने क्या योग बनाया, या मुझे लगता है मेरे जीवन में यही लिखा था कि मैं सेवा करूं। और मैं इससे बहुत खुश हूं कि मुझे शादी के बाद 10 साल ससुराल में रहने के बाद पुनः ये काम करने का मौका मिला। मैं 91 से सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हूं। पहले मैंने भोपाल महानगर की झुग्गी बस्तियों में काम किया, बच्चों को शिक्षा के से जोड़ना, स्वावलंबन के लिए जोड़ना, विधवा पुनर्विवाह के तरफ कुछ अपना कदम बढ़ाए और बहुत सारी बेटियों को जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर उन महिलाओं को जो बर्तन मांझ के और एक शराबी पति के साथ कैसे विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करती हैं उनको छोटी छोटी बचत के बारे में बताकर, उनके बाद 2005 से मुझे बुजुर्गों का एक काम मिला जो मेरे जीवन की बहुत चुनौतीपूर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि मैंने कभी वृद्धाश्रम खुद से भी कहीं देखा नहीं था। और मुझे लगता था बड़े परिवार में पली बड़ी थी, बड़े परिवार में शादी हुई, संयुक्त परिवार का जो वातावरण मैंने देखा था तो मुझे लगता था वृद्धाश्रम ये क्या है, कैसे ये हो सकता है कि वो माँ बाप जो हमारे स्तंभ हैं, हमारे वट वृक्ष हैं, जिनकी शीतल छाँव में पल के हम लोग जीवन की आगे बहुत सारी कठिनाइयों को पार करते हैं और जीवन के बड़े बड़े मुकामों पे पहुंचते हैं, और वो ऐसे कैसे दर बदर हो गए। तो काफ़ी समय लगा मुझे इस चीज़ को समझने के लिए और मैंने फिर संकल्प अपने मन से किया, एक लक्ष्य निर्धारित किया कि जीवन में अब मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगी, उन बूढ़े माता पिता का कुछ सहारा बनकर उनकी सेवा करूंगी। और सतत 2005 से अभी तक मैं ऐसे अनेकों माता पिता की
छत्र छाया में कुछ सेवा का काम कर पाई और मुझे खुशी है कि मुझे ईश्वर ने ये मौका दिया जी। तो जैसे आप लोगों की मदद करती हैं, आपने बताया कि आपको कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती, तो किस प्रकार आप चीजों को मैनेज करती हैं? देखिए आज का जो परिवेश है इसके पहले कुछ व्यवस्थाएं और थी, सेवा करना भी आज बड़ा मुश्किल हो गया है। और मुझे लगता था जैसा मेरे परिवार ने मेरे माता पिता ने सिखाया कि पहले कदम खुद को बढ़ाना है, आप अपने को पहचानो, अपने लक्ष्य को पहचानो और खुद क्या कर सकते हो। सरकार और समाज ये तो हमारे साथ चलने वाली व्यवस्थाएं हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगी तो आपके साथ सब होगा। तो पहले मैंने खुद को तराशा, मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, 20-20 किलोमीटर भोपाल महानगर की बस्तियों में पैदल चल के, ये बिल्कुल सत्य बात बता रही हूँ, मैंने सेवा का कार्य किया और बहुत सारा काम किया। और मुझे लगा कि अगर मैं सेवा करने निकली हूँ तो शायद आज नहीं तो कल सरकार भी शायद मेरी मदद करने के लिए, भोपाल के बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्हें मुझे हर कदम पर साथ दिया और मुझे तो लगता है उनने वो कर्तव्य निभाया है जो वो बच्चे नहीं निभा पाए, जो अपने माता पिता को सब कुछ होते हुए उनका सब कुछ लेने के बाद भी नहीं कर पाए। डे है तो मदर्स डे में आप लोग किस प्रकार सेलिब्रेशन कर रही हैं? देखिए मदर्स डे मेरे लिए तो बहुत कीमती है, पिछले 2 साल पहले की अगर मैं बताऊं तो मेरे भाई हैं और मैं किराए की बिल्डिंग में इन माता पिता को रखती थी और मेरे यहाँ कोई भी माता पिता कोई शुल्क दे के नहीं रहता है, क्योंकि मुझे लगता है सेवा उनकी करी जाए जो वास्तविक ज़रूरतमंद हैं। पर आज समाज की व्यवस्था कुछ अलग हो गई है तो मैं ऐसे निराश्रित बुजुर्गों का सेवा करती थी जिसमें आँखों से अंधे, मानसिक संतुलन खो चुके माता पिता, कैंसर के रोगी, लकवे के रोगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित माता पिता जो निशुल्क मेरे यहाँ रहते हैं। और 70,000 रुपये किराया मैं देती थी क्योंकि मेरे पिताजी सारी पेंशन का दान करते थे, कुछ समाज के लोग मदद करते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद ये चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल का दौर रहा कि मैं कैसे इन 20-25 माता पिता का भरण पोषण कर पाऊँगी, क्योंकि दान कभी तो सहयोग मिल जाता है, कभी बहुत सारी व्यवस्था जुटाना भी पड़ती है, तो किराया देना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। पता नहीं भगवान ने कैसी मेरे भाइयों को सद्बुद्धि दी या उनने अपना बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व निभाया कि उनने ये घर पिछले 2 साल पहले मदर्स डे के दिन मेरी माता जी की पुण्य स्मृति में सेवा के लिए हमें दिया है और इसका कोई मुझे किराया विराया नहीं देना पड़ता।